वालेकुम नाज़रीन मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना ताहिर नाज़रीन हनी ट्रैप का नाम तो आपने सुना होगा वो क्या होता है कि जब कोई आपको मीठी मीठी बातें करके आपको मैसेजेस करके और आपको फंसाने की कोशिश करता है और आप उसके ट्रैप में आ जाते हैं जैसे एक चूहे को शहद का लालच देकर फंसाया जाता है वैसे इसका नाम हनी ट्रैप रखा गया है कि आप एक चूहे बन जाते हैं और आप जाते हैं उस चीज़ की तरफ जिसकी आपको तलब हो रही होती है और ये हनी ट्रैप आजकल बहुत चल पड़ा है क्योंकि सबसे पहले जो हनी ट्रैप हमने सुना है अभी वो सुन रहे हैं हम खलील रहमान की वजह से क्योंकि वो हमारे मुल्क के एक नामवर राइटर हैं जिन्होंने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं उन्होंने फिल्म्स के लिए भी राइट किया है लेकिन वो अब क्यों फंस गए हैं और क्यों वो इतना वायरल हो रहे हैं क्योंकि वो इस हनी ट्रैप में फंस गए हैं और वो जब ये फंसे हैं और उसके बाद से उनके बयान ही तब्दील हो गए हैं पहले तो वो औरतों के ख़िलाफ़ इतनी बातें करते थे औरतें उनको पसंद नहीं थीं और औरतों के लिए वो इतने नाज़ेबा अल्फाज भी बोलते थे कि जिसे एक औरत तो सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और वो खुद ही एक औरत के ट्रैप में आ गए हैं एक औरत की बातों में आ गए हैं ये हैरान कन बात है अब इस पूरे हनी ट्रैप के चक्कर में दो बयानात और दो आप समझ लें कि हकाइक सामने आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं एक है कि लोग कुछ उनके हक में बात कर रहे हैं कि एक शरीफ इंसान ट्रैप हो गया और दूसरा ये कि वो इंसान जो हर एक को शक की निगाह से देखता है और वो इंसान जो हर एक के लिए ऐसे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है वो कैसे ट्रैप में आ सकता है इन दोनों हकायक पे हम बात करने लगे हैं कभी कभी इंसान शायद अपनी अकल गवा देता है और वो नहीं समझ पाता कि मैंने किस रास्ते पर जाना है और वो उन्हीं चीज़ों से ट्रैप हो जाता है उन्हीं चीज़ों में फंस जाता है जो शायद उसने दूसरों के लिए बिछाई होती हैं ऐसा ही हुआ है रहमान के साथ कि वो अपने ही उन चीज़ों में फंस गए हैं कि औरतों को बुरा भला कहा उन्होंने अपनी ही उनका जो बयान सामने आया है उससे पहले यही था कि उनकी वीडियो वायरल हो रही थी कि अगर औरत है तो वो ट्रैप करके दिखाए वो अगवा करके दिखाए किसी को वो किसी एक इंसान को चार पांच लोगों के साथ मिलकर अगवा करे और ऐसा करके दिखाए तो मैं उसको औरत मानूँगा और वो करके दिखा दिया औरत ने रात के बजे एक इंसान क्योंकि ये जज की जानब से भी कहा जा रहा है कि दरवेश इंसान तो रात को तहज्द पढ़ता है और आप रात के चार बजे जाकर एक औरत से मिल रहे हैं लेकिन इसमें भी कुछ मकाक़ा नहीं है क्योंकि वो जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर न दिन देखा जाता है न रात देखी जाती है और मुलाकातों का सिलसिला शुरू रहता है इस पूरे वाक्य में हमें हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री हमारी शोबिज इंडस्ट्री का भी एक भयानक चेहरा सामने आया है कि इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है किस तरह किसी की भी इज़्ज़त उछाली जाती है किस तरह सोचा नहीं जाता है कि क्या ये वक्त मुलाकात का है या नहीं है और एक दूसरे को किस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है आमना अरूज के नाम से जिस औरत ने उन्हें ट्रैप किया और उनको बुलाया और उनके साथ मैसेजेस किए वो पूरा ग्रो तो पकड़ा गया है और उसका सरबरा भी पकड़ा गया है जब वो सरबरा पुलिस के हवाले किया गया है तो उसके बाद से खलील रहमान की एक नज़ेबा वीडियो वायरल हो रही है जिस वीडियो में देखा ये जा रहा है कि एक औरत है उनके साथ लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वो अरूज औरत नहीं है जिन्होंने उनको रात के चार बजे बुलाया था अब ये कहानी किस रुख पर जारी है ये आप भी मुझे बताएं और हम तो इसके ऊपर जांच कर ही रहे हैं लेकिन अब दूसरा पहलू भी हम आपके सामने रख देते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि क्यों इन्होंने ऐसे किया क्यों इनको ट्रैप करने की कोशिश शरीफ इंसान को ट्रैप किया गया है तो इस ट्रैपिंग के बाद बहुत से वाक़ होते हैं इंसान को इस दहाने पर लाया जाता है कि वो ख़ुदकुशी की तरफ भागता है वो अपने आप से दिल बर्दाश्त हो जाता है वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से दिल बर्दाश्त हो जाता है वो मुआशरे से उकता जाता है क्योंकि उसके इर्द गिर्द के लोग ही जब उसी को गलत कहने लग जाते हैं ऐसा ही खलील रहमान के साथ भी हो रहा है कि वो अपनी वजाहतें देते हुए नज़र आ रहे हैं हर वीडियो में हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सिर्फ़ अपने आप को वाजे कर रहे हैं कि मुझे ट्रैप किया गया है मुझे पैसों के लिए ट्रैप किया गया है मेरे पास जब पैसे नहीं मिले तो उन्होंने मेरे लिए ये तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए हैं कि मेरी वीडियो बनाई और उसको वायरल किया और मेरे ख़िलाफ़ इतना इतना प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई है ये ना जेबा वीडियोस बनाने का एक जो सिलसिला शुरू हो गया है ये न जाने कब से और किसने इस चीज़ का आगाज़ किया है लेकिन पहले भी हम इस नाज़ेबा वीडियोस की वजह से अपने काफ़ी चाहने वाले और मरूफ लोगों को गंवा चुके हैं जिसमें एक नाम आमिर लियाकत का भी है उनकी अपनी बीवी दानिया शाह ने ही उनकी वीडियोस वायरल की और करवाई, जिसके बाद वो इतना अफसरदा हुए और दिल हार बैठे कि उन्होंने खुदकुशी को अपना लिया किसी की इज़्ज़त के ऊपर बात करना किसी के ऊपर किसी भी तरह से इल्जाम लगा लेना ये हमने शायद आसान समझ लिया है आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है क्या किसी को इस तरह इस दहाने तक ले आना कि वो अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठे और वो अपनी ज़िंदगी को ही उसकी कोई कीमत ना समझे और सिर्फ़ और सिर्फ जो उसने सारी ज़िंदगी इज़्ज़त कमाई होती है उस इज़्ज़त को ख़त्म होता हुआ चंद लम्हों में ही और चंद सेकंड्स में ही और कुछ दिनों में ही जब वो देखता है तो तब उसका अमल क्या ख़ुदकुशी के अलावा भी कुछ हो सकता है यह आपके लिए सवाल है अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ